अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। मुस्कुराते रहो जैसे खिला हुआ फूल, गमो की बेला जाए तुमको भूल। ऐसे ही प्रेम की चलती रहे रीत, इसी दुआ के साथ मुबारक हो सबको बकरी ईद। जामनेर शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांच्या वतीने आज बकरी ईद म्हणजेच ईद उल जुहा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। भुसावर रोडवरील ईदगाह मैदानावर सर्व मुस्लिम समाज बांधवांकडून बकरी ईदची सार्वजनिक नमाज आज सकाळी अदा करण्यात आली। नमाज अदा केल्यानंतर सर्व मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना बकरी ईदच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या। मुस्लिम बांधवांना ईदच्या शुभेच्छा देण्यासाठी जामनेर शहरातील भाजपा पदाधिकारी, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी सुद्धा ईदगाह मैदानावर या प्रसंगी उपस्थित होते। आपण जामनेर शहरातील भुसावळ रोडवरील ईदगाह मैदान या ठिकाणी आलेलो आहोत। आज बकरी ईद, बकरी ईद हा सण ज्याप्रमाणे हिंदू बांधव आपला दसरा हा सण साजरा करत असतात, त्याचप्रमाणे मुस्लिम बांधवांसाठी बकरी ईद हा सण मानला जातो। आणि हा सण जवळपास रमजानच्या 70 दिवसानंतर येत असतो। या सणाविषयी अधिक माहिती त्याचबरोबर बकरी ईदच्या शुभेच्छा आपल्याला या ठिकाणी मुस्लिम बांधव सगळे उपस्थित आहेत त्या देखील देत आहेत। आणि या ठिकाणी आज आपल्यासोबत जामनेरच्या पोलीस स्टेशनचे पिया नजीर शेख देखील उपस्थित आहेत, ते देखील या सणाविषयीच्या अधिक शुभेच्छा आपणा सर्वांना देत आहेत। जामनेर पोलीस स्टेशनतर्फे सर्व मुस्लिम बांधवांना बकरी ईदच्या शुभेच्छा। तसेच 5 तारखेला अनंत चतुर्थीच्या दिवशी गणेश विसर्जन होणार आहे, त्यानिमित्ताने सुद्धा गणपती उत्सवाच्या सर्व मंडळांना माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने आमच्या हिंदू आपल्या मुस्लिम बांधवांना ईदच्या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। जामनेर शहर व जामनेर तालुक्याच्या वतीने आणि आपल्या गणेशोत्सवाच्या सुद्धा आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। जामनेर शहर वतीच्या वतीने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या आम्ही सगळे परिवार आम्ही सहभागी आहोत। आज बकरी ईद निमित्त सर्व शहरांचे जामनेर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईयोंना ईद मुबारक। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम गणेश मंडल में एकता के लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे थे, इसमें अपना एकता का प्रोग्राम एकता दिखाने को मिली। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को फिर से मैं एक बार ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक की शुभकामना एकदम। आणि ते देखील हिंदू मुस्लिम बांधवांना ईदच्या मुबारक देत आहेत। खरोखर आज मीडियाने सांगितले की हिंदू मुस्लिम बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा देत आहेत, कारण गणेश उत्सव आणि ईद हे दोघेही सण सोबत आलेले आहेत। आणि खरोखर या जामनेर शहराची एक वाक्यता आहे की ज्या पद्धतीने या ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लिम सण साजरा करतात, या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने की हा हिंदू आहे का मुस्लिम या ठिकाणी जाणवलं जात नाही। कारण कालच आमच्या इथं गणेश उत्सव झाला, त्या गणेश उत्सवामध्ये संपूर्ण लोकांचं म्हणजे आमच्या संपूर्ण गणेश उत्सवाच्या मंडळांचं स्वागत ह्या मुस्लिम लोकांनी केलं। त्याच उक्तीने त्याच पद्धतीने आज सगळे हिंदू बांधव या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांना या ईदच्या पवित्र अशा सणानिमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। मी या ठिकाणी या राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीजी महाजन यांच्या या ठिकाणी शुभेच्छा प्राप्त झालेल्या आहेत। मी परमेश्वराला विनंती करतो की ज्या प्रेमाने ज्या सद्भावनेने या मुस्लिम बांधवांनी या ठिकाणी ईद निमित्त या ठिकाणी नमाज प्रार्थना केलं, जी प्रार्थना केली त्या प्रार्थनेचा सन्मान करून परमेश्वराने चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी पाऊस पडू द्यावा आणि सुखसमृद्धी नांदू द्यावी, शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी दुरुस्त होऊ द्याव्या, हीच परमेश्वराला या ठिकाणी मी विनंती करतो। आणि या ईद निमित्त संपूर्ण मुस्लिम बांधवांना या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतो। सर्व कर्मचारी नगराध्यक्षांतर मी सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देतो। हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, जिन्होंने अल्लाह तबारक के हुक्म पर जो ख्वाब के जरिए उनको नजर आया, तबारक तआला की आतो फरमा बरदारी के लिए अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को
अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम की इस इताअत व फरमाबरदारी से खुश होकर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और हज़रत इस्माईल अलैहि सलातु वस्सलाम के बदले में उसकी कुर्बानी दी गई। इसी तरीके से ये त्यौहार इस बात की गमाजी करता है कि इंसानों में उखुवत हो, मोहब्बत हो, ईसार और हमदर्दी का जज्बा हो और दुनिया में बसने वाला हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही की इबादत करे और अल्लाह तबारक व ताला ही की इताअत व फरमा बरदारी करे। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया तमाम इंसानों के लिए, दुनिया में जितने भी इंसान बस रहे हैं तमाम इंसानों को अल्लाह ने ही पैदा किया है, पूरी कायनात को भी अल्लाह ने पैदा किया। इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अपने पैदा करने वाले के एहसान को याद रखें और उसके अहकाम ही पर अमल करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को ये त्यौहार इसी बात की तरफ तमाम इंसानों को जो है इशारा करता है, दावत देता है। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला की बारक ताकि अल्लाह तबारक व ताला खुश हो, अल्लाह तबारक व ताला राज़ी हो और इसी तरीके से अल्लाह के जो दूसरी मखलूक हैं, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनके साथ हमदर्दी, खैरख्वाही और ईसार का जज्बा किया अदा किया जाए उनके साथ, इससे भी अल्लाह तबारक व ताला खुश होते हैं। जाने के बाद दुनिया की ज़िंदगी ये बहुत थोड़ी ज़िंदगी है, इसके बाद आखरत की ज़िंदगी जो लामहदूद ज़िंदगी है, आखरत की ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी इसी में इंसान अल्लाह को एक माने, अल्लाह को माबूद माने, अल्लाह ही की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। इसलिए कि उसी ने हमें पैदा किया है, वही अपनी कुदरत ताकत से कायनात का निज़ाम कायनात। आज ईदुल जुहा ईद का दिन है और ईद ईद की खुशी में हम सभी मुस्लिम भाई ईद की शुभकामनाएं हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों को सब एक साथ देते हैं। दो दिन पहले ही गणेश उत्सव का सन जामनेर शहर में बड़े ही उत्सव के साथ साजरा किया गया, जिसमें सभी मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों का स्वागत किया। आज सभी हिंदू भाइयों ने ईद की खुशी का इजहार करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों का स्वागत किया। ये पूरे देश में अपने आप में एक संदेश है कि जामनेर शहर में किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम भाइयों में भाईचारा है और ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अखंडता के लिए ईद हो या गणपति का त्यौहार हो या दुर्गा देवी का त्यौहार हो, ये हिंदू और मुसलमानों को एक जगह लाने के लिए और देश में शांति रखने के लिए सभी त्यौहार जो आते हैं वो एक खुशी का मौका लाते हैं और इन त्योहारों की वजह से हिंदू और मुस्लिम भाइयों के दिल मिलते हैं और ये दिल इसी तरह से मिलते रहे। ये हम सबको आज ईद की खुशी में शुभकामनाएं देते हैं। जल संपदा मंत्री श्री गिरीश भाई महाजन, इनकी तरफ से भी हम सभी जामनेर शहर और महाराष्ट्र के लोगों को ईद की शुभकामनाएँ देते हैं। और इस गणपति के त्यौहार जो अभी ख़त्म हुआ है उसके लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं।
निमित्त सर्व प्रार्थना कर बंदना इच्छा हा दिलेले आहे महाराष्ट्र कुर्बा मेरी जान मेरा दिल मेरा ईमान तुझ पे कुर्बा मेरी जान मेरा दिल मेरा ईमान यारी मेरी कहती है पे कर दे सब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी दुश्मन यार सच्चे यारों के हम यार सच्चे यारों के ओ आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है सब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरा दिल मेरा ईमान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरा दिल मेरा ईमान यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार।